हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो में मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की एक रिक्रूटमेंट आई थी साइंटिस्ट बी की पोस्ट की, इसके फॉरेस्ट्री के पेपर को डिस्कस करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप किसी फॉरेस्ट्री कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो या आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपको ICAR GRF फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर और ASRB NET एग्रो फॉरेस्ट्री के मॉक टेस्ट और कोर्सेस हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर मिल जाएंगे, उनको आप बाई कर सकते हो। और इसके अलावा कई और कोर्सेज वहाँ पर हैं, आप अपनी नीट के अकॉर्डिंग उनको इनरोल कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप। और इसके अलावा हमारी प्रीवियस क्लासेस भी देख सकते हो फॉरेस्ट्री की। ये पेपर आपका बाइलिंगुअल था, इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे और पेपर में आपका जो टोटल मार्क्स थे वो आपके 400 थे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स थे। और ये एग्ज़ाम 9 नवंबर 2019 को कंडक्ट हुआ था। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। पेपर आपका बाइलिंगुअल था। क्वेश्चन नंबर एक क्या है आपका, 2GS/R फार्मूला फॉर यील्ड रेगुलेशन प्रपोज्ड बाई। क्वेश्चन नंबर एक का उत्तर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, वॉन मेंटल। क्वेश्चन नंबर दो क्या है आपका, ग्रोइंग ग्रासेस इन रोटेशन विद फील्ड क्रॉप्स, खेत में फसल और घास चक्रानुक्रम से उगाने को क्या कहते हैं, ये पूछा गया इसमें, तो इसको आपका कहते हैं ले फॉर्मिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रोइंग रिंग्स आर फॉर्म्ड बाई एक्टिविटीज ऑफ, वृद्ध वलय का निर्माण किसकी गतिविधियों से होता है, इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन दी जोन कियर लाइफ फॉर्म्स ट्री आर कैटेगराइज अंडर, जोन कियर ने जीवन रूपों में पेड़ों को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया है, तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फेनेरोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सिंपल मैकेनिकल टिश्यू डिवाइड ऑफ लिग्निन इज, लिग्निन से रहित एक सरल यांत्रिक ऊतक कौन सा है, 5 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पैलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डिस्टिंक्ट एंड यूनिक फॉरेस्ट टाइप फाउंड इन कार्नेटिक कोस्ट फ्रॉम तिरुन्ने लवली टू नेल्लोर, तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज लो इन नॉर्दर्न लैटिट्यूड कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, स्क्लेरोफाइलस नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड इन, दृढ़ पर्णी प्राकृतिक वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मेडिटेरेनियन रीजन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है पाई जाती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गूगल इज ऑब्टेंड फ्रॉम, जो आपका गूगल होता है ये आपका बोसवेलिया सेरेटा से ऑब्टेंड किया जाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव यील्ड एट्रीब्यूटेबल टू, 10 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हार्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंगल्स आर कॉल्ड एस,
जो आपका सिंगल होता है या क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर आपका हो जाएगा वुड टाइल्स, लकड़ी के खपरैल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज अ पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विच हैज़ बिकम एडॉप्टेड टू अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट इन विच इट हैज़ बीन प्लांटेड। 12 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लैंड रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल केम इन टू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? 13 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 2010 में, 2010 में जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लास फर्स्ट लैंड हैविंग स्लोप ऑफ, वर्ग फर्स्ट भूमि में कितना ढलान होता है? तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 to 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्पाइक डिजीज ऑफ सेंटेलम एल्बम कास्ट। 15 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, माइकोप्लाज्म लाइक बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गुलथीरिया फ्रेग्रेंटिसिमा यील्ड्स। 16 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विंटर ग्रीन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कलर ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स ऑफ वार्म रीजन इज डार्कर देन दोज लिविंग इन कोल्ड एरियाज कॉल्ड एस। 17 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्लोगल्स रूल। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोटीन बैंक्स आर फॉर्म्ड ऑफ। 18 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सिल्वी पास्चरल सिस्टम। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें एक जो है फार्मूला दिया हुआ है और पूछा गया है कि इसको किसने प्रपोज्ड किया है। तो जो 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रिस्लर ने इसे प्रपोज्ड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्ट्रक्चरल मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम ग्लूड लेमिनेशन कॉल्ड एस। 20 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेथड ऑफ यील्ड रेगुलेशन सुटेबल फॉर एक्सटेंसिव ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड हेयर सेलेक्शन फेलिंग आर द रूल। 21 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रांडिस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, कैलोसोमा बिशोनी यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ। 22 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डिफोलिएटेड ऑफ देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोकम बटर ऑब्टेंड फ्रॉम। 23 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गर्सिनिया इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मीट्रिक टन ऑफ कार्बन इक्वल्स टू फॉलोइंग मीट्रिक टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। 24 का जो उत्तर है आपका वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 3.66। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द एवरेज ग्रोइंग स्टॉक इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया पर हेक्टेयर इन इंडिया इज। 25 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 59.79 meter cube। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन। यानी कि आपका अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 26 का जो उत्तर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2006 में। नेक्स्ट क्या है आपका, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट डज नॉट रिक्वायर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। 27 का उत्तर आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, माइक्रोहाइड्रल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोकेटेड एट, काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? 28 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बेंगलुरु में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन ईयर, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1980। नेक्स्ट क्या है आपका, काई स्क्वायर टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाई, 30 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्ल पियर्सन ने इसको डेवलप किया था काई स्क्वायर टेस्ट को। नेक्स्ट क्या है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ आवर कंट्री रिकॉग्नाइज बाई प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया आर, 31 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 15। इंडिया में टोटल जो है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं और आपके 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट रेंज बिटवीन, 32 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा -1 to +1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज एग्जैक्टली, 33 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बेल शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशियाज फर्स्ट मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व इज, एशिया का प्रथम समुद्री जीवमंडल रिजर्व कौन सा है, 34 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ हैंडलिंग ऑफ डॉर्मेंट सीड्स इन विच द इम्बिब्ड सीड्स आर सब्जेक्टेड टू अ पीरियड ऑफ चिलिंग आफ्टर राइपन एम्ब्रियो इज कॉल्ड एस, 35 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज इज अ डिफोलिएटर, 36 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा हिबलिया प्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेजिन कैनाल्स लोकेटेड इन प्लांट फाइब्रोवैस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनाकार्डियेसी फैमिली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट एक्सिबिट इट, 37 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पिस्टेचियो वेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सब डिवीजन ऑफ अ फेलिंग सीरीज फॉर्म्ड विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग फेलिंग इन सम स्पीसीज मैनर्स, 38 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कटिंग सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय FSI देहरादून इज वंस इन, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कितने अंतराल में प्रकाशित की जाती है, 39 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 2 ईयर्स। जो आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है ये हर 2 साल पे पब्लिश की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस डियर स्पीसीज इंडेमिक टू मणिपुर, 40 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा डांसिंग डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट एरिया कवर्ड बाय द फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया, 41 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट, यानी कि आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्या है, इंडिकेटर प्लांट फॉर लाइम रिच सॉइल इन पेनिनसुलर इंडिया, 42 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एक्जोरा परवी फ्लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ नेल वाज ड्राइवन इनटू द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम द सॉइल लेवल आफ्टर 3 ईयर्स द नेल विल, 43 का उत्तर आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा रिमेंस वेयर इट वाज। नेक्स्ट क्या है, कॉर्क कैम्बियम इज आल्सो कॉल्ड एस, 44 का जो उत्तर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फेलम। नेक्स्ट क्या है, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप इज आल्सो नोन एस, 45 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल रिटर्न। नेक्स्ट क्या है आपका, टाइलोसिस अकर इन, 46 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हर्टवुड। नेक्स्ट क्या है, इनकम्प्लीट डिज़ाइन रेफर्स टू, इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। नेक्स्ट क्या है आपका, जिया फाइबर ऑब्टेंड फ्रॉम, 48 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बोहिमेरिया नीविया। नेक्स्ट क्या है आपका,
बर्स ऑफ विच स्पीसीज यील्ड फिंगर्ड डेकोरेटिव वुड। 49 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि आपका वॉलनट, सिरिस, ल्यूरल। नेक्स्ट क्या है, डिजीज फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रॉट। 50 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मेरी स्टेम कल्चर। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू एटमॉस्फियर। 51 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 42%। नेक्स्ट क्या है, इफ़ द लेवल ऑफ कंटूर लाइन्स इंक्रीज फ्रॉम आउटर टू इनर पोर्सन इट इंडिकेट्स। 52 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हिल्स। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फॉरेस्ट्री कम्पिटेटिव एग्जाम की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और इसके अलावा आप एग्रीकल्चर GK ऐप को और हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो, वहाँ पर आपको फॉरेस्ट्री के कोर्सेज मिल जाएंगे, उन कोर्सेज को आप बाय कर सकते हो, और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ अ एम्ब्रियो फ्रॉम एनी सेल ऑफ द गैमेटोफाइट अदर देन एक सेल कॉल्ड। 53 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एपोगैमी। नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम नेट रिटर्न इज ऑब्टेंड व्हेन मार्जिनल कॉस्ट MC इज डैश 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 ऑफ मार्जिनल रिटर्न MR। 54 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इक्वल टू। नेक्स्ट क्या है, क्रंच टाइप ऑफ एनाटॉमी इज फाउंड इन। 55 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, C4 प्लांट्स में पाई जाती है ये। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ सैंपल प्लॉट्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्पीसीज इन ईच थिनिंग रिजाइम टू प्रिपेयर अ यील्ड टेबल। 56 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 600। नेक्स्ट क्या है, राल एंड ओलियो रेजिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। 57 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वेटेरिया इंडिका। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पीसीज ऑफ ग्रासेस सुटेबल फॉर सॉइल कंजर्वेशन ऑफ रेवाइन लैंड्स एंड लैंड अफेक्टेड बाई शिफ्टिंग कल्टिवेशन। 58 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पेनीसेटम पाली स्टिक्योन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुड सीड ईयर ऑफ सिड्रस देवदारा इज। 59 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 to 5 years। नेक्स्ट क्या है, इंडिकेटर प्लांट फॉर फेवरेबल कंडीशन फॉर नेचुरल रिजनरेशन ऑफ देवदार एंड केल। 60 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वोइला कैनिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन रिजनरेशन सर्वे यू सिंबल रिप्रेजेंट। 61 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रॉड विस्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मेनी सीडलिंग्स पर एकर विल यू नीड फॉर प्लांटिंग ट्रीज एट अ स्पीसीज ऑफ 9 feet into 9 feet। 62 का जो उत्तर है आपका वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 538। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रोल फॉरेस्ट प्ले इन प्रोटेक्टिंग वाटर क्वालिटी। 63 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेसिव प्लांट्स। 64 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लीफ आउट लेयर इन द स्प्रिंग एंड लॉस देयर लीव्स अर्लियर इन फॉल। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ अ फॉरेस्ट फायर। 65 का उत्तर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉइल टेक्सचर। नेक्स्ट क्या है आपका, विच टर्म इज यूज टू डिफाइन द कैपेसिटी ऑफ अ ट्री टू डेवलप एंड ग्रो इन द शेड व्हाइल इन कंपटीशन विथ अदर ट्रीज। 66 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, टॉलरेंस। नेक्स्ट क्या है, कंपटीशन फॉर वाटर मिनरल्स लाइट एंड स्पेस इज मोस्ट सीवियर बिटवीन टू।
67 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑक्यूपाइंग द सेम नीचे। नेक्स्ट क्या है, अ हैबिट ऑफ लॉन्ग सीवियर विंटर्स एंड ग्रोइंग सीजन लिमिटेड टू अ फ्यू मंथ ऑफ समर कॉन्स्टिट्यूट्स। 68 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टैगा इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ इकोसिस्टम। 69 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चेरपोशियम। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट। 70 का उत्तर आपका ऑप्शन बी डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 71, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज अराउंड। 71 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 21%। दोस्तों अब जो है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 भी आ चुकी है, तो अब आपको जो लेटेस्ट डाटा है उसको याद रखना है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में उसकी पीडीएफ प्रोवाइड की है, तो उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ टेबुलेशन ऑफ वॉल्यूम बेसल एरिया नंबर ऑफ ट्रीज पर एकर फाउंड इन फुल स्टैंड्स ऑन स्पेसिफाइड साइट एट स्पेसिफाइड एजेस। 72 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यील्ड टेबल। नेक्स्ट क्या है, हार्वेस्टिंग और किलिंग ट्रीज इन्फेक्टेड और हाईली ससेप्टिबल टू इंसेक्ट और डिजीज टू प्रोटेक्ट द जेस्ट ऑफ फॉरेस्ट स्टैंड। 73 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सैनिटेशन कट। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज इंडेमिक टू इंडिया। 74 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोनेट मकाक। नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया कंप्राइजेस ऑफ माउंटेन ग्रासलैंड इंटरपर्स्ड विथ फॉरेस्ट पैचेस कॉल्ड सोलास। 75 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एराविकुलम नेशनल पार्क केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वाइडली यूज्ड हर्बिसाइड। इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 2,4-D। नेक्स्ट क्या है, द स्टडी ऑफ द लाइफ एंड हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज विथ पार्टिकुलर रेफरेंस टू इन्वायरमेंट फैक्टर। पर्यावरणीय कारकों के विशेष संदर्भ के साथ वन वृक्ष के जीवन के इतिहास एवं सामान्य विशेषताओं का अध्ययन क्या कहलाता है। 77 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सिल्विक्स या वन वृक्ष की। नेक्स्ट क्या है, इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैराइन बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड एट। इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जामनगर। नेक्स्ट क्या है, अ ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेस दैट स्टडीज द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द साइज एंड एज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एंड बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस इन्फ्लुएंसिंग दोज चेंजेस। तो जो आपका 79 है इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉपुलेशन डायनेमिक्स। नेक्स्ट क्या है, एज पर द स्टेट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 द थ्री स्टेट विच हैव शोन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री आर। 80 का उत्तर आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश कर्नाटका केरला। दोस्तों जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है इसकी रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी फॉरेस्ट्री कंपटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी जो ये इंडियन स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है इसका जो डाटा होता है वो आपकी जबान पे होना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं, तो आप इसका जो डाटा है उसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, एरिया वाइज विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मराइन प्रोटेक्टेड एरिया वुड यू नॉट फाइंड कोरल रीफ्स। 82 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सुंदरबंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करंटली एशियाटिक लायन आर फाउंड ओनली इन गिर नेशनल पार्क ऑफ गुजरात
A major digestive disease outbreak is likely to wipe out the entire population in one stroke in order to have a back population in case of such eventually a alternate home for the Asiatic lion is being created at 83 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कूनो पालपुर सेंचुरी इन मध्य प्रदेश. नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नैक इन इंडिया 84 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इंडियन रॉक पाइथन. नेक्स्ट क्या है आपका ऑर्गेनिज्म विच आर टिपिकली सेप्रोफाइटिक बट अंडर द सर्टन कंडीशन में बी पैरासाइटिक डिके फंजाई इन लिविंग ट्रीज 85 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा फैकल्टेटिव पैरासाइट. नेक्स्ट क्या है द सैलोवेन टिप ऑफ अ हाइफी और जर्म ट्यूब दैट फैसिलिटेट्स अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन ऑफ अ होस्ट बाई द फंजाई 86 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एप्रिशोरियम. नेक्स्ट क्या है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 87 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा नेशनल मिशन ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल. नेक्स्ट क्या है विच कॉमन नेम ऑफ इंसेक्ट इज एसोसिएटेड विथ द ऑर्डर हेमिनोप्टेरा 88 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वास्प एंड आंट. नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉइल एंड मॉइस्चर कंट्रोल मीजर्स 89 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कॉजवे. नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट क्रोनोलॉजी फॉर वेरियस फॉरेस्ट रिलेटेड रेजुलेशन इन आवर कंट्री 90 का उत्तर आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. नेक्स्ट क्या है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीलेटरल कंजर्वेशन सीक्स टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स 91 का उत्तर आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा स्टॉक होम कन्वेंशन. नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट इज नॉट करेक्टली पेयर्ड विथ द रिस्पेक्टिव इशूड इट डील्स विथ 92 का उत्तर आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा बसेल कन्वेंशन इन 1989 रेगुलेशन ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ट्रांसिस्ट हैंडलिंग एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन 93 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा लाइकेन. नेक्स्ट क्या है आइडेंटिफाई द नॉन ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम द फॉलोइंग 94 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड. नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू 95 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा नोन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्या है द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज 96 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा. नेक्स्ट क्या है ग्रीन इकोनॉमी इज लेड बाई 97 का उत्तर आपका ऑप्शन डी ए हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम. नेक्स्ट क्या है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज आल्सो रिलेटेड टू एक्सेस एंड बेनिफिट ऑफ शेयरिंग मैकेनिज्म 98 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा नगोया प्रोटोकॉल. नेक्स्ट क्या है विच अमंग द फॉलोइंग सिटी वाज डिक्लेयर्ड एज टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया 99 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा नागपुर. नेक्स्ट क्या है आपका विच अमंग द फॉलोइंग विल इमिट मैक्सिमम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन द सेम क्वांटिटी इज बर्नड ऑफ ऑल ऑफ देम इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कैरोसिन. तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन पेपर. उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल.